बेटे का अनाज जिनका भी हादसे में नुकसान हुआ है उनकी मदद करना और शिव का भी ध्यान रखना। मैं तो 4 बजे तक जगी थी। कब आए होंगे शिव? कितने थके हुए लग रहे हैं। अरे उनका तकिया तो मैं लेके सोई थी। गुड मॉर्निंग भाभी जी। गुड मॉर्निंग नथू भैया। शिव भाई जी सोए अभी तक? अब उठे भी कैसे? सवेरे आए ना तो ऐसे थककर चूर हो रखे थे के बताऊं। कितने बजे आए वो? ये कोई सवेरे 4:30 बजे। अरे आए ना तो दरवाजा ऐसे धीरे से खटखटायो कि भाई कोई की नींद नहीं खुले। अब मैं तो पास में ही सोया था तो उठ गया। अब मैंने पूछा भी कि भाई कोई चाय नाश्ता खाना कुछ दे दे क्या, तो बोले नहीं नेतू भैया मैं बहुत थकेड़ा हूँ जाकर सोऊंगा। और फिर ऐसे ही सो गए। खाकर तो सोते? अरे टेंशन नहीं है ना, मैं वो सवेर सवेर जाकर ब्रेड बटर लेकर आ गया ना, अभी अबार नाश्ता तैयार करके दे देता हूँ। नहीं नेतू भैया मैं उनके लिए कुछ गरम गरम नाश्ता बना दूंगी। हाँ तो अभी ठीक है, फिर मैं सामान निकाल कर रखता हूँ। मैं भी जल्दी से नहा लेती हूँ कि उठने से पहले नाश्ते की तैयारी हो जानी चाहिए। Thank you.
दादी साहब, मैं सोच रहा था कि आज मैं गंगा और मनु को अपने साथ अस्पताल ले जाऊं। क्या वो तबीयत ठीक ना है क्या छोरे की? नहीं नहीं, मनु की तबीयत तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं चाह रहा था कि गंगा मेरे साथ अस्पताल आए और देखे कि एक नर्स की जिम्मेदारियां क्या होती हैं, उनसे जुड़े सारे कामों को देखे, जाने क्या होता है, कैसे होता है। इससे गंगा को काफी आसानी होगी नर्सिंग कोर्स का एग्जाम देते वक्त। हाँ तो मन्नू को क्यों लेके जाना है? अरे बच्चा है वो, और इन्फेक्शन होने का डर तो सबसे ज्यादा बच्चों में रहता है ना। अब ये बात तो तू ही अच्छी तरह से जानता है। और फिर दिन भर कहाँ रखेगा उसे? बापू साहब, इसके बारे में सोचा था मैंने, लेकिन क्या कर सकते हैं, और कोई चारा भी नहीं है। बस यही हो सकता है कि गंगा जब काम करेगी तो मनु स्टाफ रूम में रहेगा, वहीं खेलेगा, और जब कोई फ्री रहेगा तो मनु का ध्यान रखेगा। ये कैसा रास्ता ढूंढ निकालो तू? अरे वो बच्चा अस्पताल में पड़ा रहेगा सारा दिन। बच्चे को खेलने खिलाने के लिए अस्पताल जैसी जगह थोड़ी हो गए। अरे जा घर पे कहीं ना छोड़ सके। इसलिए नहीं छोड़ा जा सकता मासा, क्योंकि गंगा को बाहर वालों पर तो भरोसा है, पर हम पर भरोसा नहीं है कि हम इसके मन्नू को ठीक से संभालेंगे या नहीं, है ना? ये क्या कह रहे हो काकी साहब? ऐसी बात तुम्हारे दिमाग में भी ना आए। अरे तो फिर ठीक है ना, थोड़ी देर के लिए जहाँ बच्चे को घर में छोड़ के जाने में तो कोई दिक्कत ना आए तड़े। तो तीन तीन लुगाइयां घर में, सब बच्चे पाले बैठी हैं। चिंता मत कर, संभाल लेवेंगी। आज ये भी देख लेवेंगे कि थारे बिनो रहवे भी के ना थारो बनू। ठीक है, फिर जैसा ठीक समझो माजी साहब। चलो फिर जल्दी से नाश्ता कर ले, साथ चलते। कलेक्टर शिवराज शेखर की सूझबूझ से बची कई जिंदगियां। शिवराज शेखर का दुर्घटना स्थल पे ही चिकित्सा केंद्र लगा देने का उपाय कई दुर्घटना पीड़ितों का वो कीमती समय बचा गया जो वो दूर दराज अस्पताल जाने में गंवाते। ये उनकी इसी समझदारी और कार्य कुशलता का नतीजा है कि इतनी बड़ी दुर्घटना के बावजूद किसी की जान की हानि होने की कोई खबर नहीं है। शिवराज शेखर ने घायलों के इलाज का समुचित प्रबंध करने के बाद ये घोषणा की कि वो इस नए बने यातायात पुल के इस तरह ध्वस्त हो जाने की सघन जांच करवाएंगे और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ओहो, तुम्हारी नाक को क्या हो गया? क्या हुआ दद्दू? कुछ उठी उठी सी लग रही है अपने पति के कारनामे सुनकर। एक बहादुर सरकारी ऑफिसर का इंसानी जज्बा। कलेक्टर शिवराज शेखर ने यह दिखा दिया कि वो सिर्फ घटना स्थल पर पहुंचकर आदेश देने वाले सरकारी अफसर नहीं, बल्कि इंसानियत निभाना भी जानते हैं। जब उन्होंने दुर्घटना स्थल पर एक घायल को अपना दो बोतल रक्त देकर उसकी जान बचाई। कहा था ना मैंने, इसी खानदान का है, लड़ाई चाहे किसी भी रूप में सामने आए जीत कर आएगा।
पर तुमने उसके स्वागत का प्रबंध कर दिया है ना? अरे वही खूबसूरत लड़की, फूलों का गुलदस्ता। अरे भाई स्वागत तो ऐसा होना चाहिए कि फिर उसी स्वागत के लिए वो नई जंग और नई चुनौती जीत कर आए। जी दादू अब भी तैयार कर देती। पर जरा जल्दी करो, अरे कहीं ऐसा ना हो कि पड़ोस की खूबसूरत महिलाएं पहले ही हाथ में थाल लिए उसका स्वागत कराएं।